नमस्कार आप देख रहे हैं धर्मेंद्र धाकड़ के साथ एक स्पेशल कवरेज आप हमें कहीं और देखते हैं लेकिन अभी हम कहीं और है माइको मोटा है जी मेरा वाला थोड़ा पतला ही, थोड़ा मोटा है तो आइए देखते हैं यहाँ पे सुने कि इन लोग फेक न्यूज बनाता है तो किस तरह से कहा है आइए देखिए स्टूडियो है इनका पैसा काफी खर्चा किया जी आओ देखिए खूबसूरत मैडम इधर बैठे है आप ही हेलो आप ही न्यूज बनाते है का इधर फेक टाइप लाइव रिपोर्टिंग चल रही है आप क्या कर रहे हैं यहाँ रिपोर्टिंग हो रहा है देखिए आपसे मतलब न्यूज नेटवर्क आपसे तो आप बैठे पहले हमें न्यूज सुनाने दीजिए क्या तो क्या न्यूज न्यूज क्या है आपका दिखाइए दिल्ली में मोमोज की एक्स्ट्रा चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी लात 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 ही मारा था हाँ मतलब सही है देखिए एक चीज ऐसी ज्यादा मतलब तीखा का खाना बवासीर वगैरह भी होता है तो सही है मतलब नशे में धुत युवक ने सांप को काटा सांप की मौत कौन दारू दारूपया था जी मतलब उसका अगर पता चलना कौन आप सा नहीं, है, हमें रहे आ, बताया है हमको चढ़ता नहीं है जिससे साफ मर गया मजा आ जाता है <laughs> तो <आगे? laughs> तो यहाँ पर आ गए हैं और ये आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ कैमरा यहाँ पर है और जिस काम के लिए हमने आज इन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया वो काम करने के लिए चलते बिल्कुल आप देख रहे हैं मुझे जी स्विच पर आइए तो चलो फिर चलते हैं। आज धाकड़ रिपोर्टर को हमने धर लिया है और हम धाकड़ रिपोर्टिंग करने वाले हैं आज तो हर्ष आपका जो ये मास्क है ये क्यों पहन के रखते हो अब तो कोरोना भी नहीं रहा है और इतना कोई डर भी नहीं है

मतलब ऐसा है कि देखो अंदर से मेरी फैंटसी थी मुझे थप्पड़ मारने में बड़ा मजा आता यूट्यूब तो बहाना है मतलब असली में मुझे मारना होता <laughs> इसलिए ये मैंने मैंने किया है कि एक मौका मिले मारने का और मेरे ऊपर केस वेस भी ना हो ओ। तो आप ये एक्चुअल में ये जो थप्पड़ बजते हैं ये एक्चुअल में थप्पड़ बजते हैं ये डमी कुछ ऐसे हो देखो मुझे साउंड इफेक्ट लगाना आता नहीं है एक्टरों को बोलता हूँ लगेगा नहीं लेकिन जब चलता है ना तो लग जाता है अरे वो पूरी मेथड एक्टिंग पे चलते पूरी पूरी पूरी। <laughs> एक्टर को भी लगा होता है उसे भी पता होता है लगा है वो भी कहता है अरे अच्छा एक्टिंग किया ना हाँ <laughs> अच्छा अब आप ये मास्क थोड़ा सा मतलब खूबसूरती हमारी जनता को दिखा सकते हैं आप आए हाय 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 एकदम लश्कारे बज रहे हैं खूबसूरती के अरे मत हो जाना बस अच्छा वैसे आपकी जो वीडियोस है काफी ज्यादा वीडियोस इतनी वायरल गई हैं कि उसके मीम्स भी बने हैं जैसे एक मेरा पर्सनल फेवरेट है वो की कौन चीज में है डिस्प्रेशन में अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको हम डिस्प्रेशन में अभी है

उसी को मैंने अपने वीडियो में रिप्लिकेट तो किया। उसमें भी डिस्प्रेशन में है बोला था हाँ शायद बोला है अच्छा तो मतलब आपने इतनी एक्चुअली में टीचर जो कि 40 पचास हजार तनखा ले रहा है हाँ। वो ऐसी बातें बोलता है अरे यार तो मतलब ये आपके अंदर का फिर धाकड़ रिपोर्टर हाँ, बाहर आ जाता है कि दिखाना पड़ता है ना लोगों को क्या ये तो करना पड़ेगा हाँ। वैसे मैंने देखा आपके इतनी हाई बजटेड वीडियोस होते हैं फिर चाहे वो भी वड़ापाव वाली देख लो मतलब इतनी जनता होती है है ना तो ये कास्टिंग कैसे करते हो आप पूरी ऐसे कि ये शक्ल मुझे चाहिए ये ये अदा होनी चाहिए उसके अंदर ऐसे टाइप की कुछ कास्टिंग मेरे पास देखिए बहुत जबरदस्त टीम है एक बंदा जो है जब भी बैठा उधर लेके आ जाते हैं पता नहीं मतलब

है ना <laughs> उसकी कास्टिंग कैसे हुई थी उसकी कास्टिंग मतलब ना बहुत हमें ढूंढने में टाइम लग रहा था उसका रिक्वायरमेंट ये था हाँ। उसके आपने देखे बाल हटने हैं है ना हाँ, हाँ। लड़का हो जो कि लड़की की तरह दिखे और उसके बाल छोटे हो अच्छा तो इस चक्कर में ना हमने आ, मेल फीमेल और उसके बाद एक्स वाई जेड बहुत सारी कम्युनिटीज हाँ, हाँ। तो हम उस कम्युनिटीज में भी घुस गए थे ठीक है कि कहाँ से मिले कोई रोल तो कह रहा है कि रोल पैसे कम दो कुछ और करना है कर लो अच्छा। कैमरे के सामने मत करवाओ हाँ। नहीं रोल ही करना है और कुछ नहीं करना है हमें इस तरह से ढूंढते 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 फिर आ, वो मिला हमें

चटनी में थोड़ी मिर्च ज्यादा थी लेकिन लोग जो आए थे एक्टर वो हाँ, खा रहे थे सारे हाँ। <laughs> तो अच्छा एक्चुअल में भी वो सब कुछ हो रहा था वहाँ पे अगर मतलब ये भी ऐसा था कि हाँ। एक दो टेक में वीडियो ना हो तो सब, सब वड़ा पाव खा जाते हाँ, फिर हमें और बना के लाना पड़ता <laughs> तो ये तो आप धाकड़ रिपोर्टर बन गए है ना पर बनना क्या चाहते थे एक्चुअल में देखो थिएटर किया है बनना तो एक्टर ही था अभी भी एक्टिंग ही कर रहे हैं तो वही है दुनिया पूरी एक्टिंग है तो आपको शुरू से ही एक्टर ही बनना था और घर वाले क्या चाहते थे कि क्या बनूं नहीं घर वाले घर वाले भी चाहते थे एक्टर बने घर वाले भी चाहते थे ये आप ये अब आपने थोप दिया है <laughs> उनके ऊपर अब सच सच बताओ क्या चाहते थे आ, वो चाहते थे एक को कोई सरकारी नौकरी में ले लूँ उसकी तैयारी भी मैं करता था दिल्ली में

मतलब उसके वो एक्चुअली में मेरे दोस्त का रूम है जो अच्छा। कि वहाँ पे दस बारह साल से वो एक्चुअली तैयारी कर रहा है अच्छा और उसके कमरे में एक भी किताब नहीं है आपने देखा होगा हमने कुछ नहीं हटाया हाँ। उसका पता नहीं क्या तैयारी करता है <laughs> उसके रूम में एक भी किताब नहीं है और उसे बारह साल हो गए तैयारी अच्छा। करते हुए और मैं मतलब उसी परिवेश से था मैं भी मुखर्जी नगर में था तो वहीं पे वो शूट हुआ और हमारी ना फैंटसी होती है जैसे स्टूडेंट है कि ये करेंगे वो करेंगे ये ये वो इस सब बातें करते हैं मुखर्जीनगर में तो जो करते थे ना हम एक्चुअली में एक्चुअली उससे में। हमने बना दिया कि अरे जो ये बोल रहे ना हो जाए हाँ, तो कैसा लगेगा हाँ। वो होते हैं ना बंदे के इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं सबके दिमाग में आते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते और धाकड़ रिपोर्टर एग्जैक्टली वही वही काम करते हैं वो रिपोर्टिंग आप तक लेकर आते हैं अच्छा ये जो धाकड़ रिपोर्टर है

और ये सब सडन हुआ कैमरे के सामने जो नाम है धर्मेंद्र ठाकुर के सामने आया मैंने कुछ ऐसा पहले रिसर्च वगैरह नहीं किया था पहली वीडियो का खर्चा एक सौ अच्छा और हाँ। उसपे क्या खर्चा हुआ था एक रुपए में मैंने जो दो लोग आए थे उनको खिलाया था आज पार्टी हो गई हां उनकी उनका यही था ए खिला दो फिर कुछ भी एक्टिंग करवा दो खिलाया और बोलो जुबा केसरी हां एकदम सुबह केसरी हो गया अच्छा <laughs> तो मतलब यही यही खर्चा हुआ मुझे लगा कि क्या पता मास्क का खर्चा बताओगे या कुछ खर्चा बताओगे <laughs> <वही खर्चा हुआ। laughs> <laughs> बहुत बड़े लेकिन अब तो एक्टर्स को वैसे आप पेट इतनी करते नहीं अब थोड़ा प्रोफेशनल अब प्रोफेशनल हो गया बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपको लोग मिले हो मतलब फैन जो इंटरक्शन है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको असली में रिपोर्टर समझा हो आई एम श्योर ऐसा बहुत बार होता बहुत बार होता है अभी भी होता है लोग मिलने से भी डरते हैं हाँ। जैसे आप कहीं जाओ जा रहे हो एयरपोर्ट पे कहीं पे हाँ। जा रो तो लोग ना ऐसे देखे तो अरे वही है वही मतलब मुझे ही करना पड़ता है आज उन्हें लगता है ना जाऊँ तो मार ना दे गाली गलोज ना कर दे ऐसा लगता है उन्हें तो मैं बुलाता हूँ अरे नहीं भाई कोई नीचे ले आ जा देंगे। बट आपने कभी इस चीज़ का फायदा उठाया कि मतलब आप रिपोर्टर थी तो आ, मुझे बिना मास्क वगैरह के जरा कम लोग पहचानते थे तो मैं भी उस लाइन में ऐसे खड़ा हुआ तो फिर बहुत लंबी लाइन थी और टाइम लग रहा था उसमें तो फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया लेकिन मैं पब्लिकली ऐसा कम करता हूँ मैंने मैं थोड़ा सा ऐसा सीरियस मुंह बना लिया गुस्से वाला फिर मैंने नीचे से मास्क उठाया और लगा लिया थोड़ी देर में मैनेजर अंदर से भागता हुआ आया मुझे कैबिन में ले गया जो भी काम था सारा करवाया <laughs> तो इससे कुछ फ़ायदे तो हैं यार ये तो मस्त स्कीम बता दी आपने मैं भी यही करूँगी उससे मास्क लगा के माइक लेके सो अब जैसे आपने बता दिया कि इसके बहुत से फायदे हैं <laughs> है ना और मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक्चुअल हर्ष राजपूत मतलब जो आप हो वो बोल के, बन के नहीं बोल सकते लेकिन आप इस कैरेक्टर के थ्रू बोल सकते हो है ना तो मैं चाहती हूँ कि आप ये पहनो और धाकड़ रिपोर्टर के स्टाइल में कुछ चीजों पे रिएक्ट करो देखिएगा अब आपका चैनल डिमोनिटाइज न हो जाए <laughs> हम तो झेल भाई मेरी नौकरी चली जाएगी ऐसा <laughs> नहीं करना है मतलब थोड़ा फिल्टर करके निकालना ये मास्क अगर आपने लगाए लगा थोड़ा सा फिल्टर ज्यादा मैं नहीं चाहूंगी कोशिश करते है। ठीक है हाँ। तो सबसे पहले उन फूड ब्लॉगर्स के लिए जो कि ऐसे गुलाब जामुन पिज्जा या फैंटा मैगी या रू अफजा वाली चाय पीने पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं आ भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उन पे कैसे रिएक्ट करेगा धाकड़ रिपोर्टर मतलब जो खा के जाता होगा ये बाथरूम में कितना देर रहता होगा ये हम सोचते हैं इधर से खा के गया वहाँ हग रहा है लगातार हग रहा है मतलब मैनेज कैसे करते हैं छिल जाता होगा सब कुछ तो ये मतलब सोचने वाली बात है कि सब चीज़ों को पचा पाना भी ना कमाल है एकदम एकदम कमाल है <laughs> अच्छा ये जो लिप सिंक करके वीडियोस बनाते हैं और खुद को बताते हैं कंटेंट क्रिएटर और आगे आगे उन्होंने मैनेजर्स भी रखे हुए होते हैं और खुद को मतलब लाइक प्रॉपर सेलिब्रिटी समझते हैं इन्फ्लुएंसर कुत्ता ना इन्फ्लुएंसर समझे <laughs> इन्फ्लुएंसर बने रहते हैं कुछ भी कर रहे हैं ना आसान है किसी का बोले हुए पे मुंह खिला देना तो अंतर है इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर में अंतर है हम लोग डायलॉग क्रिएट करते हैं डिसप्रेशन में हैं बाकी लोग उस पे मुंह हिलाते हैं यही अंतर है ये जो ये कैटेगरी है ये जो लड़के होते हैं ना रंग आदमी है। चुपचाप बैठा होता है तो एक लड़का आ जाता है उधर से जिसके बाल लाल पीले नीले ऐसे होते हैं तो बुढ़ा बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है कि क्या प्राणी है तो उसे देखता है बोलता है अरे वो अंकल ऐसा कभी तुमने जवानी में कुछ मजे नहीं किए ऐसा फैशन वैसन नहीं किया तो बुढ़ा कहता है बेटा जवानी में एक बार मोर के साथ किए थे हम सोच रहे हैं तुम उसी का पैदाइश तो नहीं हो ये ये मैंने बनाया था ऐसा अच्छा। तो ये अंकल ने बोली थी ये अंकल की लाइन थी बहुत बढ़िया और स्क्रिप्टिंग आप ही की थी हाँ। आप ही हो सकती है मैंने बहुत पहले बनाया था अच्छा और आ, वो आपने देखी है वो वाली रील्स देखी है जिसमें छोटे छोटे एज के मतलब बारह तेरह साल के लड़का लड़की जो है वो प्रॉपर ऐसे कपल वाली रील्स बनाते हैं जिनको निब्बा निब्बी का ही टैग दिया गया तो उनको आप क्या बोलोगे माँ बाप बनवाते हैं ना उनसे हाँ अब तो ये है कि वैसे बच्चे ना कमा भी रहे हैं पैसे कमा रहे हैं हाँ, हाँ, कमा, हाँ। कमा के अपने माँ बाप को सेट कर दे रहे हैं छोटे बच्चों मतलब इतना वो करके पैसे इन्फ्लुएंस ये लाइक्स वाइक्स के चक्कर में कर रहे हैं उसपे क्या बोले ज्यादा बोलेंगे तो मतलब बोल नहीं सकते ना अभी फिल्टर अपने लगवा दिया हमारे हिसाब <laughs> से नहीं आपके हिसाब से पूरा वैसा ही था अच्छा अब एक सवाल है जो कि अगर मैंने नहीं पूछा तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू ही सफल नहीं होगा वो ये है कि एक यूट्यूबर Hmm. आपके जितने आपके फॉलोअर्स हैं, uh -huh. जितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उतने वाले कितना कमा लेते हैं महीने का <laughs> uh. देखिए मैंने मैंने है जब भी यूट्यूबर इस सवाल का जवाब तो देते, देते हैं नहीं, वो नहीं, 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 डॉज एक है, सिंपल वीडियो बना रहा है। हाँ। महीने में आएगा दो महीने में आएगा उनके वीडियो आती है रेवेन्यू आ जाता है हमारी वीडियो आई मोनेटाइज क्या क्या डीमोनेटाइज हुआ सारा रेवेन्यू गया तो ये सिस्टम होता है बाकी चल रहा है एस्टेब्लिश खर्चे चला पा रहे हैं ये ये अब आइए कोई फिगर तो... मैं आपको क्या दूं देखो कोई भी एक कंटेंट uh, क्रिएटर है जो कि uh, जिसके मिलियंस में व्यू जा रहे हैं तो मतलब ये कुछ लैक्स में वो अर्न करते हैं और अगर उनकी वीडियो डीमोनेटाइज ना हो और डिपेंड करता है कि आ, उनके बैक बैक का खर्चा कितना है आ रहा है ऐसे रफ आईडिया दे दो ना कि कितना रफ आईडिया uh, लाखों में हाँ अब मतलब कॉर्स तो हाँ। हाँ। कितने लाइक like, दो फिगर वाला लाख के एक फिगर वाला लाख दो मतलब दस ग्यारह बारह आह डिपेंड करता है कि व्यूज कितने गए महीने में कितने वीडियो आपने बनाए और वीडियो ना डिमोनेटाइज हो तो दो हाँ। फिगर में भी जा सकता है अच्छा अगर डिमोनेटाइज हो गई और ये सब हो गया तो फिर तो

आ, कुछ कुछ तो कोई तो होगी ड्रीम गर्ल ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ एक मतलब मेरी विदेशी महिला मित्र हैं अच्छा और लेकिन भाई जब भी मिलने जा हम विदेश हाँ, से हैं वो लेकिन मैं मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैं जब भी मिलने जाता तो हूँ मेरे से पैसे क्यों लेती है मतलब लाइक like, जब भी मिलता हूँ लाइक आई एम शॉर्ट ऑफ लाइक सिक्स कम हुए ऐसा कम हुआ इस तरह से होते रहता है अच्छा तो अभी अभी यही लेवल है सिक्स सिक्स वाला हमें समझ में आ गया ये कहां की किए ये महिला मित्र <laughs> काफी ये जो इंडोरेशियन रिलेशन है ये आप अच्छा मैंने संबंध बना रखे आप बहुत मेरा अच्छे यूजर नेम भी है, है हर्ष राजपुतिन ओ अच्छा ओके okay, ओके okay, ताकि रिलेशन हाँ, बढ़िया रहे सिर्फ अपने लिए नहीं देखो कितना अच्छा बंदा है, सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे मतलब हमारे देश के लड़कों के लिए सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया है ये ये बढ़िया तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अभी मतलब ये थोड़ा मैं सीरियस सवाल पूछ रही हूँ जो अभी यूट्यूब अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं या कर चला रहे हैं चल नहीं पा रहे उनके लिए क्या मैसेज होगा अच्छे वीडियो बनाओ और क्या बताए मतलब अच्छे वीडियो बनाओगे लोग देखेंगे व्यू आएगा एक्सपेरिमेंट so uh, uh, so uh, सबस्क्राइ... hmm. लेकिन ये सब्सक्राइब नहीं करते achha, achha, है ना achha. तो इन्हें अगर धाकड़ रिपोर्टर के स्टाइल में आपको बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए तो आप कैसे बोलेंगे आप मास्क भी पहन सकते हो नहीं, नहीं. क्या मतलब क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही ऐसे हाँ बिल्कुल ऐसे देखो एक बार बता रहे हैं दोबारा नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब कर लो चुपचाप तो ऐसा रेपटा मारेंगे ना कि दिमाग तुम्हारा जनजन आ जाएगा <laughs> धमकी भी दे दी आपके लिए बताइए और डरा दिया भाई जो बंदा देख रहा होगा वो ढूंढ रहा कहाँ है सब्सक्राइब बटन में फटाफट से कर देता हूँ मैं अपने चैनल पर भी मतलब ऐसा करता हूँ <laughs> मतलब उधर भी बोलता हूँ तो हो जाता है कुछ बढ़ते हैं मेरे और थैंक यू सो मच हर्ष थांक थांक आज थांक हमारे साथ बात करने के लिए और आपका जो धाकड़ रिपोर्टर है तो ता फैला ही रहा है और फैलाते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और और भी ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें जी स्विच को